सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जिहड़े एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर का सिलेबस पुछ रहे हैं, बट फिलहाल इन्होंने साइट के उत्ते कोई अपलोड नहीं किया आ। ये जिहड़ा तुसी एनेक्सचर देख रहे हो, लास्ट टाइम जिहड़ा पेपर होया सी एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर का, उहदे विच इन्होंने अपलोड किया सीगा। सो वह मैं तुहानू दिखा रही हाँ। इहदे विच जनरल अवेयरनैस के 45 क्वेश्चन सीगे, जिहड़े कि 45 मार्क्स का ही पेपर जनरल अवेयरनैस का सीगा, जिहदे विचों पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल नॉलेज ते करंट अफेयरस। जनरल नॉलेज के स्टैटिक जीके आउंदी आ, जिवें हिस्ट्री, इकोनमी, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयरस के नैशनल एंड इंटरनेशनल लैवल के करंट अफेयरस, जिदे इन्होंने सारा कुछ स्पोर्ट्स रिलेटिड, सिनेमा रिलेटिड, अपॉइंटमेंट्स रिलेटिड, बुक्स रिलेटिड, ठीक है, कोई भी जी न्यूज़ रही हो ज़्यादा वो सारा कुछ पूछना है। दैन सैकेंड जो देख सकते हो हैगा मैंटल एबिलिटी, रीजनिंग, अरिथमैटिक, और ये मैट्रिक लैवल का होएगा, लिखा ही नहीं है, वाक्य ही मैट्रिक लैवल का। जो किसी ने पेपर पिछला देखा हो चुके, बहुत ज़्यादा टफ नहीं सी, ठीक है। दैन थर्ड पार्ट जिहड़ा, ये जिहड़ा मैंटल एबिलिटी है, 15 क्वेश्चन सीगे। दैन उस तो बाद थर्ड जिहड़ा है कंप्यूटर बेसिक्स, और वाकई ही बेसिक्स है। ये एम एस वर्ड बारे तुसी चंगी तरह पढ़ लो, एम एस एक्सएल वगैरह, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन ये आएंगे। और उस तो बाद फोर्थ पार्ट जिहड़ा लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का, ये 15 क्वेश्चन पंजाबी दे ते 15 इंग्लिश दे है। जे किसी ने नरेंद्र दुग्गल की बुक पढ़ी है तो उन्होंने पंजाबी दे पेपर दे विच कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज लास्ट टाइम भी जे तुसी पेपर चुक के देख लो, तो मतलब अगर किसी ने वो बुक पढ़ी हो वे, तो 15 के 15 क्वेश्चन आराम नाल सही कर सकता है, बशर्ते कि उन्हें डिटेल दे विच पढ़ी हो वे, ठीक है। सो 30 क्वेश्चन यानी कि 15 इंग्लिश ते 15 पंजाबी दे। सो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का। जीके दे विच स्टैटिक जीके लिए तुसी कोई भी नॉर्मल बुक जिहड़ी है, लूसेंट होगी, रिहांत होगी, इन सारिया बुक्स ने मार्केट दे विच, तुसी कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयरस भी जिहड़े आ, वन लाइनरस ही आउंदे आ। एंड दूसरा पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर का जिन्ना भी तुसी प्रैक्टिस कर सको उन्हूं कर लो, ठीक है। और मैंटल एबिलिटी रीजनिंग लिए बेसिक आर एस अग्रवाल ही सफिशेंट है। कंप्यूटर के बेसिक जिहड़े तुसी 10th तक पढ़ते हो, जो भी तुहाडे स्कूल्स दे विच पढ़ाया जाता है, आई थिंक वो मोर दैन सफिशेंट है, ठीक है। जां फिर तुसी ग्रैजुएशन दे विच अगर पढ़िया होवे किसी ने, दैन लैंग्वेज मैं तुहानूं दस दे दित्ता। सो इस दे नाल मैं तुहानूं दस देवां, अगर थोड़ा पेपर जिहड़ा है BLEO दा और दा सीनियर इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट ऑफिसर दा, ये सारा इकट्ठा हुंदा है, तो हो सकता है कि माइनर चेंजेस जिहड़ियां आन पेपर दे विच, सिलेबस दे विच, पर जो भी आनगियां तुसी फिलहाल तुहानूं इहनां दा पता ही है कि ये 5 सबजैक्ट जिहड़े आ, ये तुहानूं आउणे ही आउणे ने, इंग्लिश, पंजाबी, कंप्यूटर, मैंटल एबिलिटी, रीजनिंग ते GK। सो इहनां नूं तुसी मतलब अपना जिहड़ा आ स्ट्रेंथ बनाना आ, ठीक है। सो उस हिसाब दे नाल तुसी अपनी स्ट्रैटेजी जिहड़ी आ बना के चल सकते हैं, और कॉम्पीटिशन ये भी काफ़ी ज़्यादा होएगा। सो दैट वॉज ऑल, और होर भी कोई क्वेश्चन होए तो कॉमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।